आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी मिल्क केक की रेसिपी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़िया ये सूजी मिल्क केक बनकर के तैयार हुआ है। इसकी खास बात यह है कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम इंग्रेडिएंट की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट है और इतना ही सॉफ्ट और स्पंजी आपका सूजी का मिल्क केक बनकर के तैयार होने वाला है। इसको हम बगैर बेकिंग पाउडर, बगैर बेकिंग सोडा, बगैर ओवन, बगैर अंडा, इन सब के बगैर बनाने वाले हैं। और तो और जो लोग घी तेल नहीं खाना चाहते हैं, बटर नहीं खाना चाहते हैं, तो आज बिल्कुल घी तेल बटर फ्री केक ये बन करके तैयार होने वाला है। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा लाजवाब बनाना, इसका टेस्ट बिल्कुल वनीला केक जैसा है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं अपना टेस्टी टेस्टी सूजी मिल्क केक बनाना। इसके लिए आपको चाहिए गर्मा गर्म दूध। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप यानी कि 150 ml के करीब दूध लिया है। ये जो दूध है ना, ये इतना गर्म है कि हम आराम से पी सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मिला देंगे 100 ग्राम के करीब यानी आधा कप के करीब चीनी। तो चीनी को मैंने पीसा नहीं, ऐसे ही साबुत चीनी ली और इसे ऐसे मिला दिया। अब ये जो गर्म दूध है ना, इसमें चीनी जो है बहुत ही जल्दी घुल जाएगी। और तो और ये जो हमारा गर्म दूध है, ये काम करेगा बटर और तेल की तरह सूजी में। हमें इस जब हम गर्म तेल मतलब गर्म दूध लेते हैं ना, तो अलग से बटर तेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने बिल्कुल बारीक वाला यहाँ पर रवा लिया है यानी कि सूजी ली है, 1 कप भर करके ली है। ग्राम में नापेंगे तो 200 ग्राम के करीब है और इसे हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद आपने करना क्या है कि इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देना है। 10 मिनट से बिल्कुल ज़्यादा नहीं रखेंगे, सिर्फ 10 मिनट के लिए रखेंगे। तब तक हम बाकी की तैयारियाँ भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आज जो सूजी का मिल्क केक है वो इस छोटे छोटे मोल्ड्स में बनाने वाली हूँ। तो इसे हम घी से या ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। सिर्फ ग्रीस करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, रेसिपी में नहीं डाल रहे हैं, तो बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे यहाँ आज इतनी ठंड पड़ रही है कि हमने जो है ऐसे मेल्ट किया हुआ मैं जो है घी लगा रही हूँ और वो फ़ौरन से इस कटोरियों में जो है जम जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है इस समय। देख सकते हैं मैं मेल्ट करके घी लगा रही हूँ, बट जैसे जैसे इसमें लगाऊंगी ना, वैसे वैसे ये जो घी है इसमें एकदम सेट हो जाएगा। खैर कोई नहीं, इस तरीके से आपने कटोरियों को, स्टील की कटोरियों को या फिर कोई स्टील का बड़ा कोई बॉक्स हो उसको आपने ग्रीस कर लेना है। अब नॉर्मल जो घर पे हमारे कढ़ाई होती है, बड़ी कढ़ाई लीजिएगा, उसी में आप स्टैंड या फिर ऐसे कोई ढक्कन है अगर आपके पास स्टील का, तो उसे उल्टा करके रख दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर ये नमक लिया है जो कि मैंने कई दफ़ा यूज़ किया है बेक करने में, तो वही नमक मैं क्या करती हूँ हर बार स्टोर करके रख देती हूँ। इससे मेरा नमक बार बार जाया नहीं होता है और बार बार यूज़ हो जाता है ये। तो इसे हम फैला देंगे और 5 मिनट के लिए कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। जब तक धीमी आंच पे हमारी कढ़ाई गर्म हो रही है, हम बैटर को चेक कर लेते हैं। सूजी फूल के एकदम तंदुरुस्त हो चुकी है, एकदम मस्त फूल चुकी है। इसे अच्छे से फेटेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। बहुत ही बढ़िया तरीके से फेंट लें, इससे आप देखेंगे कि इसका जो टेक्सचर है ना वो बिल्कुल मैदे वाले जैसा, केक के जैसा होने लगेगा। तो जैसे जैसे आप फेंटते जाएंगे वैसे वैसे आपकी सूजी चिकनी होती जाएगी। फ्लेवर के लिए मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना। आप चाहें तो यहाँ पर जो है इलायची का फ्लेवर भी दे सकते हैं। जैसे अगर आपको वनीला मतलब एसेंस नहीं मिल रहा है तो आप आराम से इसमें इलायची का पाउडर बना करके डाल सकते हैं। वनीला एसेंस मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डाल रही हूँ, वो है ये डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, खासकर सूजी के केक में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 1/4 के करीब कप के करीब मैंने इसे डाल दिया है। ग्राम में नापेंगे तो 50 ग्राम है। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर आपके पास है तो मेरे कहने पे एक बार आप डाल के देखिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं हमारा ये जो बैटर है वो बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। तो 1/4 कप जितना दूध और आप ऐड कर दीजिए। और इसमें मैं थोड़ा सा येलो कलर ऐड कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं लेकिन कलर नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी ऐड कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर ही ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब इसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे ब्रिटानिया केक हम लोग खाते हैं ना, तो उसका हल्का सा येलो सा कलर होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका कलर आ जाएगा बढ़िया सा।
इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, आज हम बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज की रेसिपी के लिए हम यूज़ करेंगे इनो का। तो ये इनो का छोटा सा पैकेट ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। लेमन फ्लेवर का है और कोई फ्लेवर का नहीं डालना है कि कोको कोला फ्लेवर वगैरह का डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको यही ग्रीन वाला पैकेट इस्तेमाल करना है। और इसे हमने एक पैकेट डाल दिया है, एक पैकेट में 1 टीस्पून जितना निकलता है ये। तो अगर आपके पास बड़ी बॉटल है इनो की, उससे आप डाल रहे हैं, तो 1 टीस्पून जितना आपको डाल देना है। जिन लोगों के पास नहीं है इनो या नहीं मिलता है उनके यहाँ, तो आप यहाँ पर बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। क्वांटिटी मैंने वैसे भी मेंशन कर दी है कि कितना आपको बेकिंग सोडा और कितना बेकिंग पाउडर डालना होगा। तो ये देखिए बैटर कितना लाइट एंड फ्लफी सा हो गया है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी बराबर दिखा देती हूँ कि कैसी कंसिस्टेंसी का आपको बनाना है बैटर। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं अंदर से पक नहीं पाया है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है कंसिस्टेंसी देख लें। देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर इसका बैटर आप लिक्विड बना देते हैं ना, तो अंदर से पक नहीं पाता है। तो इतना लिक्विड पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर आपने नहीं बनाना है। अब इस तरीके से हम इसे जो है ट्रांसफ़र कर देंगे छोटे छोटे कटोरियों में, और ये हल्का सा ऊपर से फूलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं फूलता है। मैदे की केक की तरह सूजी का केक कभी भी नहीं फूलता है, हल्का सा फूलता है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा आप गैप रखिएगा, ताकि ऊपर तक जो है मतलब बाहर कटोरियों से निकल के ना आ जाए ऐसा, ठीक है। अब ऊपर से डालने को कुछ भी डाल दो, मैं ऐसे बादाम की कतरन डाल रही हूँ, आप टूटी फ्रूटी है तो वो डाल दो, चॉकलेट का पीस एक एक डालना चाहो तो चॉकलेट का पीस भी डाल सकते हो। बट जैसे मैं बना रही हूँ ना, इससे आपको टेस्ट बहुत गजब का मिलने वाला है। ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं रसमलाई खा रही हूँ, केक खा रही हूँ, कि मतलब बहुत ही गजब का टेस्ट था, क्योंकि हमने इसमें कोकोनट वगैरह डाला है ना, तो लग ही नहीं रहा था कि ये केक के जैसा है, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा था। अब इस तरीके से कटोरियों को हमने गर्म की हुई कढ़ाइयों के अंदर ऐसे रख दिया है। आपने कवर करके इसे 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाना है। अगर आप ओवन में पकाना चाहते हैं, तो 180 डिग्री सेल्सियस पे आपने सिर्फ 20 मिनट के लिए पकाना है। बीच में मैंने क्या किया था, कटोरियों को अपनी फिर से दोबारा से सेट किया था, क्योंकि वो हिल रही थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ केक थोड़ा सा ऊंचा बन गया है, एक तरफ थोड़ा सा नीचे है। तो अगर कटोरियाँ हिलेंगी ना, तो ऐसे हो सकता है। इसके बाद आप एक टूथपिक की मदद से या फिर नाइफ़ की मदद से इसे चेक कर ले, पूरी तरीके से बेक होना चाहिए। अब ठंडियों का समय है, तो आप इसे हल्का गर्म करके मतलब गर्मा गर्म खा सकते हो, पूरी तरीके से ठंडा करके भी खा सकते हो, दोनों तरह से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारे अंदर तक नीचे तक पके हुए हैं, बिल्कुल भी जलेंगे नहीं। और स्टील की कटोरियों में, नॉर्मल जिसमें हम घर में सब्जी दाल वगैरह खाते हैं, उसमें आप आराम से इसे बना सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सबको पसंद आएगा। और ऐसा कोई इंग्रेडिएंट हमने नहीं डाला है जो आपके घर में ना मिल पाए या फिर बहुत ज़्यादा महंगा हो, ऐसा भी नहीं है। तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो इस केक को। न्यू ईयर का भी टाइम आ रहा है, तो उसमें भी ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो। बर्थडे तो बहुत पड़ रहे हैं इस समय, बच्चों के एनिवर्सरी है, कुछ भी है, तो आप डेफिनेटली ट्राई करना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपीज़ में, बाय।